आज के इस एपिसोड में आपको जानकारी मिलेगी IRCTC के डोमिटेरीज एंड रिटायरिंग रूम फैसिलिटीज के बारे में, कैसे बुक कर सकते हैं, कितना पे करना पड़ेगा एक रूम या फिर डोमिटेरीज बुक करने के लिए, यहाँ पर सेफ्टी लॉकर की सुविधा कैसी होती है। साथ ही छोटे से छोटे इम्पोर्टेंट चीजें आपको इस एपिसोड में हम शेयर करेंगे एक ब्लॉग के माध्यम से। ये ब्लॉग पूरा मोबाइल से बनाया गया है, लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन पूरी मिलेगी इस वीडियो से। अभी मैं हूँ KSR बेंगलुरु में, एंड यहाँ पर कैसे आप ऑफलाइन डोमिटरीज बुक कर सकते हैं एंड IRCTC का एकोमोडेशन का फायदा उठा सकते हैं, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। और साथ ही जानेंगे बेंगलुरु में IRCTC रिटायरिंग रूम चीप है या फिर बाहर का कोई डोमिटरीज या फिर होटल। पहले जानेंगे KSR बेंगलुरु स्टेशन पर कहाँ पर IRCTC रिटायरिंग रूम बुक कर सकते हैं। डॉर्मेटरी बुक करने के लिए आपको पहले ये एंट्री गेट है, इधर से जाके अभी फर्स्ट फ्लोर में आप लिफ्ट में भी जा सकते हो। मैं आपको रूम दिखाता हूँ, 365 का रूम है, पर नॉन एसी। आपको अपना रूम या फिर डोमिटरी बुक करने के लिए एक वैलिड ID और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको टिकट का PNR नंबर चाहिए। आपका बोर्डिंग या फिर डेस्टिनेशन स्टेशन के हिसाब से ही आप अपना रूम बुक कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसा व्यू है, ये अभी मैं KSR बेंगलुरु स्टेशन में हूँ, और आपको अगर डॉर्मिटरी लेना है तो उधर से ये रिसेप्शन काउंटर है, उधर से बुक कर लीजिएगा और उसके बाद आप इधर से ले सकते हो। 365 नॉन एसी का डॉर्मेटरी मिलेगा विथ 135 सिक्योरिटी डिपॉजिट, जो कि रिफंडेबल है। ये फूड एंड ट्रैक है, और इधर आपको खाने का सब मिल जाएगा। रहने का प्लान इसलिए है कि इधर से सब एसेसेबल है, इजीली मिल जाएगा। और ये हमारा डॉर्मेटरी, अंदर जाके मैं आपको रूम दिखाता हूँ। इस डॉर्मेटरी में आपको एक छोटा सा बेड विथ बेडशीट, ब्लैंकेट, पिलो एंड एक छोटा सा लॉकर भी देखने को मिल जाएगा। अब इस लॉकर में अपना सामान वगैरह रख सकते हैं, ये काफी बड़ा लॉकर है भाई। साथ ही चार्जिंग वगैरह करने के लिए आपको एक सॉकेट भी मिल जाएगा। चारों ओर ये पूरा का पूरा कवर्ड है एंड सामने आपको कर्टन्स मिल जाएंगे। यहाँ पे लाइट एंड फैंस भी अवेलेबल है, सो कोई दिक्कत नहीं। जो मेरे पीछे आप देख रहे हो वो डॉर्मेटरी है, उधर ही मैं रुका हूँ। और इधर पर्डे आपको टैरिफ पड़ जाएगा 24 आवर्स के लिए 365 इंक्लूडिंग द टैक्सेस, एंड उसमें आपको 135 रुपीज़ सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ता है, जो आपको रिफंड भी हो जाएगा। और डॉर्मेटरी में रूम काफ़ी अच्छे हैं, प्राइवेसी भी है, प्राइवेसी के लिए कर्टन्स दिए गए हैं, और तीन साइड आपको एक चैम्बर टाइप मिल जाएगा। और ये वीडियो में आप देख भी सकते हो, मैंने वो वीडियो डाल दिया है। अगर आप बैचलर हो एंड आपको खाली लगेज अपना रखना है और थोड़ा फ्रेश व्रेश हो जाना है, रात के टाइम सोना है, तो आपके लिए ये परफेक्ट ऑप्शन रहेगा। क्योंकि 365 में आपको अभी विंटर में गर्म पानी भी मिल रहा है इधर नहाने के लिए, बहुत अच्छा फैसिलिटी है। एंड इफ़ यू आर स्टूडेंट और आपको एक आध दिन के लिए ही रूम चाहिए, तो ये तो परफेक्ट ऑप्शन ही रहेगा। बेडशीट आपका चेंज कर लेंगे ये लोग, उसके बाद जो कंबल रहता है, ब्लैंकेट, वो भी चेंज कर लेते हैं आपका जब चेक इन करते टाइम। और चेकआउट का टाइम और चेक इन का टाइम इधर 8 बजे से लेकर 8 बजे तक है। और अगर आप 12 घंटे के लिए आप इनरोल करते हो तो कुछ 200 समथिंग है, एंड फॉर 24 आवर्स इज 365। KSR बेंगलुरु का मेन रेलवे स्टेशन है, और आप अगर फर्स्ट फ्लोर में आते हो, नॉन एसी वाला वेटिंग लॉन्ज है जो कि पेड वर्जन है, और उसी तरह ही पेड वाला एसी लॉन्ज है। इधर आप आके वेटिंग एरिया में वेट कर सकते हो, ये दोनों ही पेड है। और उधर लास्ट में जो आप देख रहे हो उधर रिसेप्शन है, उधर आप बुक्स वगैरह कर सकते हो। और फैमिली के लिए रुकने के लिए भी रूम्स वगैरह अवेलेबल है इधर, ये सब फैसिलिटी है। यहाँ का बाथरूम भी मुझे काफी अच्छा लगा, यहाँ पर बाथरूम में हॉट वाटर की अवेलेबिलिटी भी है। ठंड के महीने में भाई अगर गर्म पानी मिल जाए तो क्या ही और चाहिए। क्लीन प्रोसीजर है चेक इन एंड चेक आउट का, जो कि मेरे को बहुत अच्छा लगा। एंड इफ़ यू आर बैचलर एंड या फिर आप स्टूडेंट हो, कोई भी सिटी में अगर ऐसे ही एग्ज़ाम देने जा रहे हो या फिर एक आध दिन का ही प्लान है, बैचलर हो, तो फिर ये सही है, डॉर्मेटरी किसी भी जगह ले लो। और आप बेंगलुरु में आते हो और SBC स्टेशन के आसपास हो,
तो SBC स्टेशन में ले लेना, बहुत सस्ता है इधर। तो अभी मेरा हो गया है, मैं अभी चेकआउट करने जा रहा हूँ और आप देखिए चेकआउट का प्रोसीजर कितना स्मूथ रहता है और जो मैंने एडवांस सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया था वो भी मेरे को रिटर्न हो जाएगा। ये तो हो गया भाई IRCTC का रिटायरिंग रूम। अब बात करते हैं बाहर की कोई डॉर्मिटरी या फिर होटल्स की। भाई बेंगलुरु काफी कॉस्टली जगह है, यहाँ पर अगर आप डॉर्मिटरी भी लोगे तो आपको 700-800 रुपए पर बेड के हिसाब से आपको मिलेगा। एंड रूम्स की बात करें तो अगर आप फैमिली के साथ आते हो तो 3 या फिर 4 जन रुकने के लिए आपको 1200-1300-1500 तक आपको देना पड़ेगा। ये मिनिमम चार्ज में बता रहा हूँ, अगर आप अच्छे खासे बड़े होटल में रहेंगे तो आपको उसके लिए ज्यादा पे करना पड़ेगा। स्टेशन के आसपास आपको कई सारे डॉर्मिटरीज एंड होटल्स मिल जाएंगे लेकिन वो काफी महंगे। वैसे तो ढूंढने पर आपको 400-500 रुपए वाला डॉर्मिटरीज मिल जाएगा लेकिन आपको उसके लिए काफी घूमना पड़ेगा, जिसके लिए आपको ऑटो या फिर कैब का चार्जेस कुछ ज्यादा ही देना पड़ेगा। तो अगर फेयर कंपैरिजन किया जाए तो भाई मेरे हिसाब से IRCTC का जो रिटायरिंग रूम फैसिलिटी है वो काफी बेहतरीन है। अगर आप सिंगल हो, 2 या 3 दिन के लिए घूमने के लिए आते हो बेंगलुरु या फिर एग्जाम वगैरह देने के लिए स्टूडेंट्स आते हैं बेंगलुरु, तो भाई मेरे हिसाब से आप यहाँ पे आइए, IRCTC का ऑफलाइन बुक कीजिए, रिटायरिंग रूम का फैसिलिटीज बिंदास आप उसका फायदा उठा सकते हैं। और अगर आप चाहते हो कि इस रूम को आप पहले से रिजर्व कर ले तो आप ऑनलाइन भी इस रूम को रिजर्व कर सकते हैं। आप चाहे सिंगल रूम लो, डॉर्मिटरीज लो या फिर स्पेशल रूम लो अपने फैमिलीज के लिए, वो तीनों आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। कैसे करना है ये जानने के लिए आपको ये वाला वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी पूरे डिटेल एक्सप्लेन करके इस वीडियो को अपलोड किया हुआ है हमारे चैनल पर। आप जाइए देखिए कितना पे करना पड़ेगा उसके लिए, क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन है उसके बारे में पूरा डिटेल इसमें एक्सप्लेन किया गया है। हम ट्राई करेंगे इंडिया में जितने भी सारे बड़े स्टेशन है वहाँ के जो डॉर्मिटरीज फैसिलिटीज है उसको एक्सप्लोर करेंगे, वहाँ पर हम खुद जाएंगे एंड एक्सपीरियंस करेंगे, उसका जो एक्सपीरियंस ब्लॉग आपके साथ शेयर करेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, जितने भी सारे छोटे से छोटे जानकारी आपके साथ शेयर किया जाएगा। सो भाई ऐसे अगर आपको इंडिया के डिफरेंट प्लेसेस के बारे में जानकारी चाहिए, फूड के बारे में आपको जानकारी चाहिए, फूड रिव्यूज चाहिए एंड साथ ही साथ अगर आपको ट्रेन ब्लॉग्स देखना पसंद है भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते, क्योंकि हम इंडिया में घूमते रहते हैं, इंडिया के फूड एंड प्लेस को एक्सप्लोर करते रहते हैं। डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन सोशल मीडिया, सब्सक्राइब मी यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट इंडिया। जय हिंद जय भारत।